सर अभी हम आपको रेडियो का डेमो दे रहे हैं, तो पहले आप सेक्शनिंग देख लो कैसे करें, उसके बाद आप प्रैक्टिकली देखो उसको किस तरीके से यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो सेक्शनिंग में क्या है, इसको हम बोलते हैं ईयर टू ईयर सेक्शन। ठीक है, दोनों साइड ईयर टू ईयर सेक्शन निकाला है, यहाँ पे भी पीछे से एक अच्छा सा बड़ा सा हॉरिजॉन्टल सेक्शन है। ठीक है, बाकी जो पीछे के सारे बाल हैं इनको हम बनाएंगे यहाँ पे बिल्कुल ऑक्सीपिटल बोन के ऊपर, यहाँ पे यानी कि एक पोनी। तो पोनी बनाकर आपको दिखाने बनाने वाला हूँ मैं, आपको इसकी पर्सनल वीडियो बना के भेजूंगा इसको बनाते कैसे हैं, और अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है। मैंने यहाँ पे एक पोनी बना लिया, बस इस तरीके से पोनी बनानी है आपने सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट ऊपर वाला सेक्शन है, उसको मैंने दो जगह डिवाइड किया। ठीक है, ऐसे इसके ऊपर आपने क्या करना है, बैक कॉम करना है। ठीक है, इस तरीके से बैक कॉमिंग करनी है आपने। ठीक है, ये देखो इसको स्मार्ट बैकग्राउंड बोलते हैं, ये रूट्स में होती है। ठीक है, देखो इसको अच्छे से ना कोम कर लिया मैंने। कोम किस तरीके से किया, बस हल्के हाथों से कोम करना होता है। ठीक है, जब भी आप बैकग्राउंड को कोम करते हैं तो कोम कैसे चलना चाहिए, लाइक दिस, स्टैंड मत करना ऐसे। ठीक है, इस तरीके से उसके बाद चारों तरफ से कोम करने के बाद आपने इसको हल्का सा ट्विस्ट करना है, और बड़े वाले जुड़ा बीन से इसको कोनी के ऊपर लॉक कर देना है, लाइक दिस। ठीक है, ये अभी हम लोग बना रहे हैं 3D, आप देखो किस तरीके से बनाते हैं, और जूम करके दिखा दो इनको, बहुत ही आराम से हल्के हाथों से इसको पुश करना है ऊपर की तरफ। सेम इसको 3D भी बोलते हैं और स्पेशल इफेक्ट भी बोलते हैं। एक बार इधर आके दिखा दो, इसी तरीके से अभी यहाँ भी बना देंगे हम लोग। ठीक है, ये वाला स्प्रे यूज कर रहा हूँ आपके लिए, और इससे मैं ये 3D को शार्प कर रहा हूँ। अच्छा, शार्प कैसे करते हैं, 4.5-4-3 इंच के डिस्टेंस से स्प्रे को ऐसे करते हैं, इसको पुश करते हैं, अच्छे से प्लेस करते हैं, नीट करते हैं। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे लगाया था, इसे से इंसर्ट कर दिया, यानी कि अंदर की तरफ लॉक कर दिया इसको ऐसे, और ये 3D बन चुका है। ठीक, एक बार आप इस तरीके से 3D बना देते हो, अगर क्लाइंट गिर भी जाए तो खराब नहीं होगा। ठीक है, जैसे मर्जी। ठीक है, इसको भी हम प्लेस करेंगे यहाँ पे इस तरीके से, ये। ठीक है, और अभी हम क्या करने वाले हैं, आप देखो ये जूड़ा बिन से इसको अंदर की तरफ लॉक करने लगे। एक एक लेयर लेनी है पोनी के वाले बालों में से। ठीक है, इनको अपने कुछ नहीं करना है, बस ऐसे करके ट्विस्ट करना है, स्ट्रेच करना है, इसको बोलते हैं ट्विस्टिंग एंड पुलिंग टेक्निक। ठीक है, और इस पर करना है स्प्रे नीट, और इसको कर देंगे हम यहाँ पे लॉक। ठीक है, लाइक दिस। इसी तरीके से सारे हेड्स को हम लॉक करेंगे। इसको बेसिकली बोलते हैं रैंडम लॉक, तो आप इसे रैंडम लॉक करेंगे। इस तरीके से अभी बेसिकली कई सारे वीडियोस छोटे छोटे डाल रहा हूँ बना के आपके लिए। नोवा गोल्ड का स्प्रे भी यूज कर सकते हो अगर आप डमी पे प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि इतने कॉस्टली प्रोडक्ट मत लेना, नमी के लिए आप थोड़ा सस्ता प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हो। ठीक है, रिजल्ट्स इसका ही बहुत अच्छे हैं। ठीक है, देखो मैं रैंडमली लॉक कर रहा हूँ, फुल्ली मेसी और अमेजिंग सा हेयर स्टाइल है ये, इसका फ्रंट भी बहुत क्रिएटिव है, आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहना इसको। ठीक है, इसको इस तरीके से होल्ड करना है,
ये ऊपर वाले लेयर को स्ट्रेच करना है इस तरीके से, ठीक है, सिंपल इस तरीके से स्ट्रेच करके लॉक कर देना, ठीक है। लॉक करने के लिए पहले आप क्या करोगे, इस पर स्प्रे कर दोगे सो दैट ये थोड़ा सा स्टिल हो जाए इस तरीके से। आपने जूड़ा पिन से ऐसे अटकाने और इसको लॉक कर देना है। उसके बाद बाकी बचे वालों को सॉफ्टली रैंडमली छोड़ देना है। ये सी हर एक लेयर के साथ आप ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये कलम वाले बाल नहीं छोड़ने। आप देखो मैंने किस तरीके से छोड़ा है, टॉप इस तरीके से, इनको बाद में हम क्रॉस कर देंगे और कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। बाकी प्रॉपर हेयर को मैंने ग्रिप किया हुआ है इस तरीके से, ऐसे अच्छे से कोम कर लिया, ठीक है। रूट से हल्की सी वैक्यूमिंग कर लें। मैं आपको बता दूँ वैक्यूमिंग दो तरीके की होती है, एक होती है स्ट्रॉन्ग जो हम रूट से पफ बनाने के लिए करते हैं, एक होती है सॉफ्ट जो लेंथ को चुपकाने के लिए, बेस करने के लिए और लेंथ में डेंसिटी बढ़ाने के लिए करते हैं। ये दोनों अलग अलग तरीके की वैक्यूमिंग है। लेंथ वाली रूट्स पे नहीं आनी चाहिए, रूट्स वाली लेंथ पे नहीं आनी चाहिए, तो आपको बहुत दिक्कत होगी, बालों में आपसे मैनेज नहीं होंगे, ठीक है। तो रूट्स पे कर रहे हो तो स्ट्रॉन्ग है और लेंथ पे कर रहे हो तो सॉफ्ट है। तो इसके बाद क्या करना है, आपने इस तरह से दो जगह डिवाइड करना सिंपल और इसको इस तरीके से क्रॉस करना लाइक दिस, और यहीं पे हम इसे लॉक करेंगे, ठीक है। मैं लॉक करके आपको दिखाता हूँ। जैसे खींच दिया इसको ऊपर से और इसको इस तरीके से ये ऐसे ऐसे हल्के हाथ से करना है आपने, ठीक है। बस उसके बाद अब यहाँ लॉक करेंगे, ठीक है। यहाँ लॉक करने के लिए आपने क्या करना है कि जूड़ा पिन लगा देना बस लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद आप इसको नीट करेंगे, इस तरीके से नीट करें। कोई लेयर्स डिस्टर्ब कर रही है बार बार नीचे आ रही है तो उसको जूड़ा पिन से फोल्ड भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने अदर साइड भी क्या किया है, यानी जो फ्लेक वाला साइड है हमारा, मैंने यहाँ कुछ इस तरीके से लेयर छोड़ी है, आप भी छोड़ देना इस तरीके से, ठीक है। आपने करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे आप, ठीक है। इस पार्ट को अलग कर देंगे, इस वाले पार्ट को अच्छे से उठाएंगे, ये हमारा फ्रंट है, ठीक है। इसके रूट्स में टाइट वैक्यूमिंग करनी है ऐसी इस तरीके से, आप चाहो तो थोड़ा स्प्रे भी कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से रखना है आपने ऐसे, और यहाँ पे हल्का हल्का सा स्पेशल इफेक्ट देना है, यानी कि 3D इस तरीके से, ठीक है। और अब इसको आप सिंपल जूड़ा पिन से लॉक कर देंगे ऐसे, ठीक। ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये भी आप अच्छे से देखो, ठीक है। पहले मैंने इसको यहाँ लॉक कर दिया, यहाँ पे ऐसे करके 3D बनाया, ठीक है। अब इस सेक्शन को हम बहुत ही आराम से उठाएंगे, सिंपल तरीका है, और ये ठीक है लाइक दिस, और यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से दिस, कितने में आराम से कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे बालों की टेक्सचराइजिंग बहुत अच्छी है। अब क्या करोगे तो इस पर हेयर स्प्रे करो और इसको शार्प कर लो इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, इस केस में क्या है, जो ये वाले जो बाल हैं वो यहाँ आ चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो इन्हीं से होगा, ठीक है। देन आप इसको देखो फिर से जूड़ा पिन से यहाँ लॉक करेंगे, इस तरीके से यहाँ लॉक करेंगे,
इस तरीके से। मैंने इसे पूरा स्प्रे से टिकाया है, यहाँ कोई पिनअप नहीं किया है, ठीक है। तो आप भी ऐसे छोड़ देना। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको इस तरीके से खोलना है। यहाँ पे भी ऐसे ऐसे यहाँ पे 3D क्रिएट किया, ऐसे यहाँ पे भी 3D क्रिएट करेंगे आप, ठीक है। उसको फिर आप स्प्रे करेंगे। ऐसे यहाँ ट्विस्ट करके लॉक किया था, ऐसे ही ट्विस्ट करके हम इसको भी लॉक कर देंगे, ठीक है। दोबारा से एक बार कर्ल्स करना है हमको इस तरीके से। प्ले करने हैं तो क्या करेंगे हम लोग, ऐसे वन बाय वन सेक्शन लेंगे हम लोग, ठीक है। इसको अच्छे से शेप देंगे और इसको जुड़ा पिन से इनसाइड यानी कनेक्ट करते हुए लॉक करेंगे। इस तरीके से, ठीक है। कर्ल्स बिल्कुल भी मोटे मोटे मत छोड़ना, बहुत अच्छे नहीं, बिल्कुल चीप लगते हैं, थोड़े मोटे मोटे रखने। और उसके बाद हमें क्या करना है, इसको कनेक्ट भी करना है स्प्रे के साथ। सामने वाले पार्ट को हमेशा स्टैंड रखना है लाइक इस तरीके से। यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको स्प्रे से शार्प करके इस तरीके से हार्ड कर दोगे। कम क्वांटिटी में स्प्रे लगाना है, गीला गीला मत कर देना। इसको थोड़ी देर हार्ड होने दोगे, ठीक है। इस तरीके से इसके बाद क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसको अच्छे से कोम करके ना फिर इसको इस तरीके से खोलना है। हेयर स्टाइल डन है। एसेसरीज के मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ कहाँ कहाँ आप एसेसरीज लगा सकते हो। आप यहाँ क्राउन एरिया भी लगा सकते हो, यहाँ पे जो क्राउन चलते हैं ना क्रिश्चियन ब्राइडल वाले क्राउन, वो भी लगा सकते हो। बैक में एक बहुत बड़ी एसेसरीज लगा सकते हो यहाँ के पीछे की साइड। बाकी ऐसे बीट्स आते हैं, ये बीट्स भी लगा सकते हो, ठीक है। मैं बीट्स लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे को छोटी एसेसरीज लगाना बहुत पसंद है स्टाइलिंग के अंदर। इससे क्या होता है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो अच्छे से नजर आता है, छुपता नहीं है। तो इस तरीके से लगाना है, ठीक है। रैंडम प्लेसमेंट करनी है इस तरीके से। देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। जस्ट पुट लाइक दिस, इजी है बहुत। अदर साइड पे भी हम लोग क्या करेंगे इसी तरीके से। देखा हमने कर्ल्स के संग कितने अच्छे से प्ले किए हैं। आप भी ऐसे कर्ल्स